नमस्कार एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्नोस्टिक। मेरा नाम लोकेश है। हम शुरू करने जा रहे हैं 5000 प्लस वोकैब सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या होगा कि हम वोकैबलरी सीखेंगे। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। मीनिंग उसका हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। तो जितने भी वोकैबलरी हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। आपको इससे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। 92-95% वोकेबलरी इसी में से आएगी। ठीक है जी, अब ये है इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आपको पहले से बता दें कि हर एक वीडियो में 20 वर्ड्स होंगे, 20 शब्द होंगे। उसमें 20 शब्द का एक इंग्लिश मीनिंग होगा और एक हिंदी का अर्थ होगा। और हर स्लाइड में 10 या उससे ज़्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होंगे। पहले हम सिनोनिम्स करेंगे, उसके बाद कहीं जाके हम करेंगे एंटोनिम्स। ठीक है, तो हर एक वीडियो 200 वोकैबुलरी हो जाएगी आपकी। रटना बिल्कुल मत इसको, ठीक है। रिपीट करना और रिवाइज़ करना। जैसे आज देख लिया, उसके बाद हफ्ते में देख लिया, फिर महीने में देख लिया, तो टाइम इंटरवल के साथ देखना ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए। आपको एक थोड़ी सी टिप देना चाहूँगा मैं। अगर कोई भी, सपोज़ मैंने बोला 92-95% इसी में से आएगा, 5000 शब्दावली काफ़ी होती है। इससे कम तो खैर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कई वीडियोज़ में देखा है 3000, 5000 होती है, वो आप कर लोगे, ईजी होता है। ठीक है, एक टिप देना चाहूँगा। जैसे 92-95% मैंने बोला इसमें से आएगा, अगर सपोज़ बाहर से आता है तो एक अलग से वीडियो बना देंगे कि एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं आप। पर एक प्रो टिप ये है कि अगर कोई वर्ड आता है, पॉजिटिव वर्ड है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम्स नेगेटिव ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, अब एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। तो जैसे मैंने एक स्लाइड में भी मेंशन किया हुआ है कि जैसे हैप्पी का एंटोनिम्स होता है सैड और गुड का होता है ईविल। ठीक है, तो ये होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि 5000 प्लस वोकैब सीरीज से रिलेटेड होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।